गीता के दूसरे अध्याय को ज्ञान योग भी कहा जाता है। योग यानी कि ध्यान और ज्ञान यानी कि बुद्धि। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय कहते हैं, इस प्रकार करुणा से जो व्याप्त हुआ है और जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई और व्याकुल दिखाई दे रही हैं, ऐसे शोक करने वाले अर्जुन को मधुसूदन यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध के परिणाम को लेकर अर्जुन के मन में अनेक प्रकार की शंकाओं और भय का निर्माण हो जाता है। वह व्याकुल हो उठता है और व्याकुलता के कारण उसकी मानसिक स्थिति भ्रमित हो जाती है। उसके अंदर की सारी वेदना आंसुओं के माध्यम से बहने लगती है। तो दोस्तों, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले एक साधारण व्यक्ति की दशा भी ऐसी ही हो जाती है, जब उसके सामने उसके अपनों के साथ ही संघर्ष करने की परिस्थिति निर्मित हो जाती है और परिणाम की कल्पना से ही उसे ग्लानि होने लगती है। लेकिन फिर भी संघर्ष करना या ना करना, यह निर्णय भी उसे लेना ही पड़ता है। तब उसकी मनःस्थिति भी वैसी ही हो जाती है जैसी कि इस समय अर्जुन की थी। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस विषम समय में तुम्हारे मन में इस तरह का अज्ञान उत्पन्न होने का क्या कारण है? ऐसा आचरण तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नहीं है और ना ही यह स्वर्ग देने वाला है और ना ही इससे तुम्हें कीर्ति प्राप्त होगी। यहाँ पर विषम समय से भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य कदाचित विषम समय और विषम स्थान दोनों से ही हो सकता है, क्योंकि यह निश्चित ही ऐसे विचारों के मन में आने के लिए ना तो सही समय था और ना ही सही स्थान। युद्ध क्षेत्र में ऐन युद्ध के समय क्या प्रेम, दया, माया और करुणा की बातें की जाती हैं? युद्ध क्षेत्र में तो नीति नहीं बल्कि कूटनीति की चर्चा होती है, आरंभ ही नहीं परिणाम की चिंता की जाती है। भावनाओं को दरकिनार करके व्यावहारिकता अपनाई जाती है और सबसे बढ़कर केवल धर्म की ही नहीं अधर्म की भी बात होती है। तो यह निश्चित रूप से अर्जुन की अज्ञानता ही थी, जो एक योद्धा होते हुए भी वो ऐसी बातें कर रहा था। इसलिए अर्जुन को समझाने के लिए अब श्री कृष्ण थोड़े कड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे कहते हैं कि क्लैव्यम मास्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। हे पार्थ, तुम नपुंसक मत बनो, तुम्हारे जैसे योद्धा को यह बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। तुम तो शत्रुओं को ताप देने वाले हो, इसलिए अपने अंतःकरण की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो दोस्तों, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को नपुंसक कह रहे हैं। नपुंसक से यहाँ तात्पर्य पौरुषहीनता से है,
पौरुष अर्थात शौर्य, साहस और पुरुषार्थ जैसे गुण जो एक योद्धा को शोभा देते हैं। लेकिन अर्जुन तो पौरुष ही नहीं था, वह तो एक परम पराक्रमी योद्धा था। फिर भी इस समय उसके हृदय में शौर्य के स्थान पर आसक्ति की भावना क्यों थी, जो उसके हृदय को शक्तिहीन और कायर बना रही थी। श्री कृष्ण अर्जुन की क्षमताओं को पहचानते थे, इसलिए अर्जुन को नपुंसक कहने के पीछे श्री कृष्ण का उद्देश्य अर्जुन के अंदर सोई हुई क्षमताओं को जागृत करने का। क्योंकि जब भी किसी सक्षम व्यक्ति की क्षमताओं पर संदेह करके इस तरह के शब्दों से प्रहार किया जाता है तो वह इसे सहन नहीं कर पाता और अधिक प्रबलता से अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करता है। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। इस पर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, युद्ध में मैं भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाणों को कैसे चला पाऊंगा, क्योंकि वे दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि से देखा जाए तो अर्जुन की व्याकुलता अपने स्थान पर गलत नहीं थी। उसके सामने एक ओर जहां ईश्वर का ज्ञान कराने वाले उसके गुरु थे, तो दूसरी ओर परमेश्वर प्राप्ति की प्रेरणा देने वाले उसके कुटुंब प्रमुख भीष्म पितामह थे। ये दोनों ही उसके गुरु और निसंदेह सम्माननीय भी थे, लेकिन गुरु और शिष्य में भी एक अवस्था ऐसी आती है जब वे दोनों एक रूप हो जाते हैं और शिक्षा देने तथा शिक्षा ग्रहण करने वाले में कोई अंतर नहीं रह जाता। इस समय युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपने गुरुओं से जो भी सीखा उसी का तो प्रदर्शन कर रहा था, फिर वह इतना सोच विचार क्यों कर रहा था। एक बालक अपने बड़ों का ही तो अनुसरण करता हुआ पड़ा होता है। जीवन में वह वही करता है जो उसे सिखाया गया है। गुरुन हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि हलोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरा प्रदिग्धान्। अर्जुन आगे कह रहा है, हे माधव, इन मान्यवरों को मारने की अपेक्षा मैं इस जग में भिक्षा मांग कर खाना अधिक श्रेयस्कर समझता हूँ, क्योंकि मेरे इन गुरुजनों के खून में सने हुए सुख ही तो हमें भोगने को मिलेंगे। यहाँ अर्जुन अभी भी अपनी दुविधा मन स्थिति में ही था। एक ओर तो वह भिक्षा मांग कर खाने की बात कह रहा था, वहीं दूसरी ओर सांसारिक बंधनों से भी बंधा हुआ था। भिक्षा और भीख में बहुत बड़ा अंतर होता है। भिक्षा मांगने वाला ईश्वर का अनुयायी होता है, जो सन्यासी का जीवन जीता है। क्या अर्जुन यह भूल गया था कि यदि भिक्षा मांग कर ही खाना है तो ऐसी स्थिति में भी तो उसे अपने परिवार से विभक्त और विरक्त होना ही होगा। मनुष्य की यही तो प्रवृत्ति होती है ना दोस्तों, कि उसे लालसा तो मोक्ष पाने की होती है, लेकिन वह सांसारिक मोहपाश से भी अपने आप को मुक्त नहीं करना चाहता है। न चैतद् विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः
याने वहत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। अर्जुन कहता है कि युद्ध करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसमें हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, यह हमें समझ में नहीं आ रहा। युद्ध में उनकी जीत होगी या हमारी, यह भी अनिश्चित है। और जिन्हें मार कर हमें जीवित रहने की इच्छा नहीं होगी, ऐसे हमारे भाई बंधु धृतराष्ट्र के पुत्र ही हमारे सामने प्रतिद्वंद्वी बनकर खड़े हैं। अर्जुन के कहने का तात्पर्य यह है कि इस युद्ध में अपार हानि सहन करने की बात भी यह कहां निश्चित है कि हमारी ही जीत होगी। और मान लो जीत हो भी जाए तो क्या यह स्वीकार करने योग्य होगी? अर्जुन यह सब कह तो रहा था, लेकिन वह अज्ञानी नहीं था। बस अपने मन को समझा कर अपने आप को युद्ध के लिए तैयार नहीं कर पा रहा था। ऐसा कहकर उसे भी इसका अंदाजा था कि वह कुछ तो गलत ही कह रहा है। इसलिए श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए वह आगे कहता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कहता है, मेरे मूल स्वभाव से विरुद्ध इस समय मेरा स्वभाव भयभीत और दुर्बल हो गया है, जिससे अपने कर्तव्य और धर्म अधर्म के विषय में निर्णय करने में मेरी बुद्धि असमर्थ गई है। इसलिए हे कृष्ण, मेरी इस अवस्था में मैं आपसे पूछता हूँ, जो साधन मेरे लिए निश्चित रूप से श्रेयस्कर और कल्याणकारी है वह मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए कृपा करके मुझे उपदेश दें। अर्जुन यह तो अच्छी तरह जानता था कि क्या है जो गलत, क्या है जो अधर्म है और क्या है जो पाप है, लेकिन अब भी निर्णायक स्थिति में नहीं आ पा रहा है। इसलिए वह स्वयं को पूरी तरह से श्री कृष्ण को समर्पित कर देता है और उन्हें ही मार्गदर्शन के लिए कहता है। ऐसा ही तो होता है ना दोस्तों, जब किसी खास परिस्थिति में हमारे सामने दो विकल्प रख दिए जाएं और दोनों ही विकल्पों में से हमारे लिए क्या सही है हम इसका फैसला नहीं कर पाते, और हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो हमें निश्चित रूप से सही सलाह देकर दुविध मन से मुक्त कर सकता है। फिर हम उस व्यक्ति पर आश्रित हो जाते हैं और अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि उसकी बुद्धि से निर्णय लेते हैं, क्योंकि हमें उस पर पूर्ण विश्वास होता है। ऐसा ही विश्वास अर्जुन को था श्री कृष्ण पर। नहि प्रपश्यामि मम अपनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन आगे कहता है कि यदि उसे पृथ्वी पर शत्रु रहित और धन धान्य से समृद्ध राज्य मिल जाए या फिर स्वर्ग में देवी देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए तो भी मुझे उसका कोई उपयोग नहीं होगा, क्योंकि जो मेरी इंद्रियों को शोषित करने वाले शोक को दूर कर सके ऐसा कोई भी उपाय या साधन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अर्जुन ने यहाँ अपनी योग्यता से कुछ ज्यादा ही बोल दिया था
और इस बात का उसे ज्ञान भी था। यह कहकर वह शायद यह सोच रहा था कि ऐसा सुनकर श्री कृष्ण उसे युद्ध के लिए प्रवृत्त नहीं करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण के चेहरे के हाव भाव पढ़कर वह समझ गया था कि उन्हें अर्जुन की इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था, इसलिए वह आगे कहता है, संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय कहते हैं कि हे राजन, निद्रा को बस में रखने वाले अर्जुन ने इंद्रियों के स्वामी और अंतर्यामी श्री कृष्ण से कहा कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ऐसा कहकर वह स्तब्ध होकर चुप हो गया। यहां यह समझना जरूरी है दोस्तों कि क्या अर्जुन वास्तव में धर्म के विषय में ही सोच रहा था, या फिर उसके मन में अब भी नरक यातना का भय बना हुआ था। ऐसा भी हो सकता है कि स्वर्ग प्राप्ति ही उसका अंतिम लक्ष्य हो। नहीं तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा रणभूमि पर खड़ा कौन सा योद्धा स्पष्ट कह सकता है? युद्ध के लिए सज्ज योद्धा कभी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता। तो इस बात पर संदेह तो होगा ही कि अर्जुन किस लालसा में ऐसा कह रहा है। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। संजय आगे कहते हैं कि इसके बाद हे भारतवंशी महाराज, दोनों सेनाओं के बीच हतबल होकर खड़े होकर शोक करते हुए अर्जुन की ओर किंचित हंसते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अब अंतर्यामी श्री कृष्ण को अर्जुन की बातें सुनकर हंसी आ रही थी कि युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर युद्ध नीति के विचार में न सोचकर कोई योद्धा ऐसा भी सोच सकता है। अब तो समय आ गया था अर्जुन को यह समझाने का कि उसके विचार किस तरह गलत हैं, क्योंकि जब तक किसी को वस्तु स्थिति से अवगत नहीं कराया जाता, तब तक वह अपने आप को ही सही समझता है।